सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग रिट्रेसमेंट्स। रिट्रेसमेंट्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने इस वेबिनार में। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिट्रेसमेंट्स के बारे में जानना क्यों आपके लिए जरूरी है, फिर हम समझेंगे कि रिट्रेसमेंट्स क्या होते हैं, उसके आगे चलकर हम देखेंगे कि कौन से टाइप्स के रिट्रेसमेंट्स होते हैं, और फिर रिट्रेसमेंट्स और रिवर्सल्स को कंपेयर करेंगे। ये दोनों ही काफी अलग है एक दूसरे से और काफी ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लें। उसके बाद हम कुछ स्कैनर के एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हमें मदद करेंगे रिट्रेसमेंट्स स्टॉक आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद हम कुछ स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल्स देखेंगे। अंत में इस वेबिनार को हम कंक्लूड करेंगे। सो रिट्रेसमेंट्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है। काफी बार यह होता है कि आप ब्रेकआउट के बाद, मान लीजिए कि यहां पे ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद आप प्राइस इतना ज्यादा क्विकली मूव कर जाता है ऊपर कि आपको एंट्री नहीं मिल पाती है, आप एंटर नहीं कर पाते हैं स्टॉक को और आप बस ट्रेंड को देखते रह जाते हैं, स्ट्रांग मूवमेंट को देखते रह जाते हैं। तो उस केस में रिट्रेसमेंट्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर आप रिट्रेसमेंट समझते हैं तो आपको एक एंट्री मिल सकती है ट्रेंड में। अगर आप उसे पहले एंटर नहीं कर पाए हैं तो आप बाद में जब ट्रेंड थोड़ा सा पॉज होता है, थोड़ा सा नीचे आता है स्टॉक का प्राइस, तो तब आप एंटर कर सकते हैं एक डिस्काउंटेड प्राइस पे। काफी ट्रेडर्स जो है बहुत ही जल्दी एग्जिट कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पे ब्रेकआउट के बाद अर्ली एंट्री ले भी ली, तो काफी बार यह होता है कि आप यहीं पे एग्जिट कर जाते हैं बहुत जल्दी और इस सेकेंड बड़े मूव को मिस कर देते हैं। सो इसलिए भी बहुत ही जरूरी है कि आप समझें कि रिट्रेसमेंट्स और रिवर्सल्स में बहुत ही ज्यादा फर्क है। अगर आप इन दोनों को समझ जाते हैं अच्छी तरीके से तो आप एक ट्रेंड में लंबे समय के लिए भी बने रह सकते हैं। सो दो फायदे हैं इसके। एक तो अगर आप यहां पे मिस कर देते हैं तो आपको यहां पे एक चीप एंट्री मिल सकती है, डिस्काउंटेड एंट्री मिल सकती है, और दूसरा फायदा यह है कि आप यहां पे अगर एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी तो यहां पे जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा और वेट करके ज्यादा प्रॉफिट्स लेकर के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सो रिट्रेसमेंट्स क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में रिट्रेसमेंट जो है टेम्पररी स्मॉल मूवमेंट अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड, यानी कि यहां पे ओवरऑल जो आपका ट्रेंड है जो स्टॉक का यहां से लेकर यहां तक बुलिश है, बट यहां पे बीच में एक छोटा सा ट्रेंड डेवलप होता है जो कि बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, राइट? तो इस छोटे से मूवमेंट को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है और उसके बाद प्राइस जो है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है। टाइप्स ऑफ रिट्रेसमेंट। सो जनरली ट्रेडर्स को एक ही चीज पता होती है रिट्रेसमेंट के बारे में, वो है पुलबैक। दोनों ही टाइप को लोग पुलबैक ही कह देते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। एक को थ्रोबैक कहा जाता है, एक को पुलबैक कहा जाता है। हालांकि नाम से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट आप कोई अगर लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा अगर आप इन दोनों के डिफरेंसेस समझते हैं। थ्रोबैक उस केस में कहा जाता है जब आपका मेन ट्रेंड बुलिश है और जो आपका पुलबैक हुआ है, जो रिट्रेसमेंट हुआ है, वो एक्चुअली बेरिश है, नीचे की तरफ आया प्राइस, उस केस में हम कहते हैं थ्रोबैक। एंड पुलबैक कब कहते हैं? जब मेन ट्रेंड आपका बेरिश है, मेन ट्रेंड बेरिश है और ऊपर की तरफ स्मॉल मूवमेंट आया है, उसे हम कहते हैं पुलबैक। यहां पे आप देखेंगे तो एक छोटा सा लाइन, ये जो है ये आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दर्शा रहा है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, यहां पे आया, एक सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लिया प्राइस ने और वापस ऊपर चला गया। सो ये हो गया आपका थ्रोबैक। सिमिलरली यहां पे प्राइस ब्रेक डाउन करके नीचे आया एंड देन ऊपर की तरफ शॉर्ट मोमेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रैवल हुआ, यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ चला गया, इसे हम कहेंगे पुलबैक। रिट्रेसमेंट वर्सेस रिवर्सल। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये टॉपिक। इस स्लाइड पे आप प्लीज अपना पूरा फोकस लगाइए और इस स्लाइड को, इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे समझना।
यही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है रिट्रेसमेंट के बारे में। सो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अब कैसे पता चलेगा कि ये जो मूवमेंट आया है, हमें इनिशियली तो पता नहीं। अगर आप लाइव चार्ट देख रहे हैं तो यहां पे आप श्योरली तो कह नहीं सकते कि ये रिवर्सल है या रिट्रेसमेंट है, तो उसके कुछ साइंस होते हैं वो आपको पहचानने हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है कि प्रॉफिट बुकिंग के कारण जो है वो ये रिट्रेसमेंट होता है, बिकॉज ये बहुत ही शॉर्ट मूवमेंट होता है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग के कारण होता है, लार्ज सेल ऑफ के कारण नहीं होता है। अगर इंस्टीट्यूशंस लार्ज सेल ऑफ बहुत ही ज्यादा सेल ऑफ कर रहे हैं तो उसके कारण से रिवर्सल हो सकता है, बट प्रॉफिट बुकिंग के कारण रिट्रेसमेंट होता है। ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं थ्रोबैक का, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और सेल ऑफ हमने मेंशन किया है। जब आप पुल बैक के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये दोनों अपोजिट हो जाएगा, राइट। सेकेंड पॉइंट है वेरी शॉर्ट टर्म रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स मे बी विजिबल, यानी कि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न यहां पे हमें देखने के लिए मिला है, जो कि एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल पैटर्न है। सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे तो अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जूम इन करके देखेंगे, यहां पे आपको डबल बॉटम पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। और यहां पे थर्ड पॉइंट ये है कि शॉर्ट्स आर नॉट इनिशिएटेड, यानी कि जब रिट्रेसमेंट होता है तब नए शॉर्ट्स नहीं बनते हैं। ये अगेन एग्जांपल है थ्रोबैक का, इस केस में यहां पे नए शॉर्ट्स नहीं बने हुए हैं बल्कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। सेम वे यहां पे फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट होते हैं रिवर्सल के केस में, जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ पूरी तरफ रिवर्स हो गया है, इस केस में क्या होता है कि फ्रेश शॉर्ट्स बन रहे हैं। लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म रिवर्सल रिट्रेसमेंट जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, जैसे कि हम यहां पे देख पा रहे हैं कुछ ही कैंडल के बाद वापस जो ट्रेंड है अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू हो गई थी। लास्ट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिवर्सल मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म तक आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ट्रेंड जो है वो लंबा चलता है, रिवर्सल लंबा चलता है। नो चेंज इन फंडामेंटल और सेंटिमेंट, यानी कि जनरली सेंटिमेंट और फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं होता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण। यहां पे काफी लोग एंटर किए होंगे, उनको अपना प्रॉफिट बुक करना है, उसके कारण हमें रिवर्सल देखने रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलता है। सेम वे रिवर्सल के केस में क्या होता है, जब कोई फंडामेंटली कोई चीज चेंज हो जाती है या सेंटिमेंट चेंज हो जाता है या कोई बड़ी न्यूज आती है तो उस केस में होता है रिवर्सल। सो इस स्लाइड को आई होप आपने पॉज करके अच्छे से समझ लिया है। कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो स्पेसिफिकली थ्रोबैक को लेकर के यहां पे आपको समझना है, जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग लार्ज सेल ऑफ। अगर आप पुलबैक के केस में देखेंगे तो यहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग ही होगा बट लार्ज सेल ऑफ की जगह हो जाएगा लार्ज बाइंग, जो कि यहां पे हम देख रहे हैं, करेक्ट। थ्रोबैक स्कैनर, सो अब हम जाके प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो स्टॉक जिनमें ट्रेंड ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बुलिश था बट शॉर्ट टाइम के लिए अभी हम देख रहे हैं कि वो रिवर्स हुआ है। सो इसमें हम कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ओनली प्राइस का यूज करके हम स्कैनर को बनाएंगे और स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बनाने वाले हैं। ये वेबसाइट यहां पे मेंशन है, आप यहां पे नीचे वेबसाइट चेक कर सकते हैं streak.zerodha.com, इस वेबसाइट पे हम जाके अपना स्कैनर बनाएंगे। स्कैनर्स क्रिएट स्कैनर, 1 आवर टाइम फ्रेम ले लेते हैं हम एंड निफ्टी 50 कैंडलस्टिक। सो हमें सिंपली ये कहना है कि क्लोज प्राइस 10, ये 10 क्यों है मैं आपको अभी समझा देता हूं चार्ट ओपन करके। अप बाय 10% फ्रॉम क्लोज -50। यहां पे मैंने 10 क्यों लिया है, उसका रीजन ये है कि हम बेसिकली क्या क्रिएट कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बेसिकली हम ये इस टाइप का पैटर्न ढूंढ रहे हैं, जब यहां से हम 10 कैंडल्स को छोड़कर लेटेस्ट 10 कैंडल्स को छोड़कर हम चेक कर रहे हैं कि पहले जो है 10% मूवमेंट हुआ था स्टॉक में, दैट इज वाई यहां पे हमने 10 लिया है और यहां पे 10% लिया है, ओके।
एंड नेक्स्ट कंडीशन हम बनाएंगे कि क्लोज प्राइस जो है डाउन बाय 1% फ्रॉम पीरियड मैक्स 10 क्लोज माइनस 1। इसका सिंपल मतलब यह है कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो लास्ट 10 कैंडल्स में जो हाईएस्ट प्राइस बना था उसके 1% नीचे है। सो क्लोज डाउन बाय 1% फ्रॉम पीरियड मैक्स 10 क्लोज माइनस 1। ओके, इसको एक नाम दे देते हैं एंड स्कैनर को रन करते हैं हम। सो ये हमारे पास कुछ स्टॉक्स आ गए यहां पे, बजाज फिनसर्व एंड ओएनजीसी। एक चार्ट ओपन करके हम चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है। ओएनजीसी को ओपन करेंगे, 1 आवर चार्ट। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे जो है ट्रेंड 10 कैंडल्स को छोड़कर यहां पे 10% मूव एटलीस्ट हुआ था लास्ट 40 कैंडल्स में, एंड देन अभी जो प्राइस है वो एटलीस्ट 1% डाउन है यहां के लेटेस्ट हाई से जो कि लेटेस्ट 10 कैंडल्स में बना हुआ था। सो ये एक एग्जांपल हो सकता है रिट्रेसमेंट का। नेक्स्ट जो हम स्कैनर क्रिएट करने वाले हैं उसमें हम इंडिकेटर का यूज करेंगे। इसमें हम यूज कर रहे हैं मूविंग एवरेज का एग्जाम, मूविंग एवरेज इंडिकेटर एंड सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। जैसे जैसे मैं ये कंडीशन बनाऊंगा आपको समझाता भी रहूंगा कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। सो अगेन स्ट्रीक वेबसाइट पे हम जाएंगे, क्रिएट न्यू एंड निफ्टी 500 ले लेते हैं इस बार। मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं कि बहुत ही सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस भी आप स्कैन कर सकते हैं एंड सीडीएस करेंसी ट्रेडर्स के लिए, कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए, फ्यूचर्स ट्रेडर्स, बहुत ही सारे ऑप्शंस यहां पे आपके लिए अवेलेबल है। कहीं भी आप अपना स्कैनर रन कर सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक चार्ट एंड हम कहेंगे कि क्लोज प्राइस लोअर देन मूविंग एवरेज। अब यहां पे आपके लिए समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा पिछले वाले एग्जाम्पल से, क्योंकि यहां पे हम बेसिक इंडिकेटर्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लोज लोअर देन मूविंग एवरेज 200, यानी कि जो मेन ट्रेंड है वो तो हमारा बेरिश है। ओके, एंड इस बार हम चाहते हैं कि क्लोज प्राइस जो हो क्रॉसेस अबव सुपर ट्रेंड 73। सो ये एग्जाम्पल है पुलबैक का, पिछला एग्जाम्पल था थ्रोबैक का जो हमने विदाउट इंडिकेटर क्रिएट किया था। पुलबैक एंड रन कर लेते हैं इसको। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल खोलते हैं एक चार्ट पे जाके इंडिकेटर्स को अप्लाई भी करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। हेवल्स को ले लेते हैं और हेवल्स का चार्ट ओपन कर लेंगे। ऑल राइट, 5 मिनट टाइम फ्रेम, मूविंग एवरेज 200। सो आप मूविंग एवरेज 200 से देख रहे हैं कि जो मेन ट्रेंड है यहां पे वो तो डाउन ट्रेंड है एंड सुपर ट्रेंड हमने यूज किया है। सुपर ट्रेंड को भी यहां पे हम लगा देते हैं और सुपर ट्रेंड से हमें ये पता चल रहा है कि सुपर ट्रेंड के ऊपर क्रॉस हुआ है प्राइस, यानी कि रिसेंटली हमें कोई एक बुलिश मूव देखने के लिए मिला है। सो इस प्रकार से आप डिफरेंट इंडिकेटर्स का भी यूज करके इन स्कैनर्स को बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो उसे भी आप यहां पे जाके स्ट्रीक पे ट्राई कर सकते हैं, यहां पे उनको बना सकते हैं। और अगर आप अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें लिख के बताइए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। support@streak.tech पे इस ईमेल आईडी पे आप मुझे लिख के बता सकते हैं।
सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल्स। इस यहाँ पे हम जाके कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे डिफरेंट सेक्टर्स पे, और कैसे बैक टेस्ट करना है, कैसे यूज करना है स्ट्रैटेजीज को, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक बुलिश एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी का। अगेन स्ट्रीक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, streak.zerodha.com। स्ट्रैटेजी क्रिएट स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, जैसे जैसे मैं बनाता रहूंगा मैं आपको समझाता भी रहूंगा कि किस प्रकार से ये काम करता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रैटेजी है, एंड पोजीशन रहेगी हमारी बाय, बिकॉज ऑब्वियसली ये बुलिश स्ट्रैटेजी है। यहां पे क्वांटिटी ले लेते हैं, लेट्स से 100, एंड सिंपल कंडीशन क्लोज प्राइस हायर देन DEMA 200। इस बार हमने DEMA का इस्तेमाल किया है। सो अगेन सेम पिछले स्कैनर वाला ही लॉजिक है। यहाँ पे क्लोज प्राइस जो है हमारा 200 DEMA के ऊपर है, यानी कि जो मेन हमारा ट्रेंड है वो बुलिश है। और अब हम सेकेंड कंडीशन बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो स्टॉक है वो रिट्रेस करके अब वापस ऊपर जाने लगा है। इसके लिए हम MACD का इस्तेमाल करेंगे। MACD डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं, हम यहां पे यूज करने वाले हैं 9, 21 एंड 6। MACD क्रॉसेस अबव MACD सिग्नल, MACD सिग्नल का भी हम चेंज कर देंगे। यहां पे हम यूज करेंगे 9, 21 एंड 6। सो इसका बेसिकली मीनिंग आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे ऑलरेडी, बट मैं एक बार और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लोज प्राइस हायर देन 200 DEMA, यानी कि मेन ट्रेंड जो है वो हमारा बुलिश है। और यहां पे हम कह रहे हैं कि MACD अब जब क्रॉस कर रहा है सिग्नल लाइन के ऊपर, यानी कि पहले तो सिग्नल लाइन के नीचे होना चाहिए ना MACD को, तभी तो ऊपर जाके क्रॉस करेगा। और MACD अगर सिग्नल लाइन के नीचे है, इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी बेरिश मूव हो चुका है। जब तक बेरिश मूव नहीं होगा तब तक MACD सिग्नल लाइन के नीचे तो आएगा नहीं। सो उसके लिए हमें सेपरेट कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है कि प्राइस एक बार ऊपर जाके नीचे आया है। हम सीधा ये कह रहे हैं कि प्राइस ऊपर गया है, नीचे आया था कभी और अब ऊपर जाने लगा है वापस, राइट। ये हमने कंडीशन बनाई है यहां पे। एंड एग्जिट में हम डालेंगे क्लोज प्राइस क्रॉसेस बिलो सुपर ट्रेंड, डिफॉल्ट पैरामीटर्स यूज करेंगे हम यहां पे सुपर ट्रेंड के लिए। सो यहां पे हम एग्जिट कर रहे हैं जब हमें पता चल गया कि अब प्राइस ऐसे ऊपर थी ऑलरेडी, थोड़ी नीचे आई, वापस ऊपर जा रही है, बट जब वापस नीचे आने लगेगी तब हम उसे एग्जिट कर देंगे। इसका मीनिंग ये है। और इसे हम बैक टेस्ट करेंगे कुछ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पे। ऑटोमोबाइल स्टॉक्स एंड स्टॉप लॉस हम रख देते हैं यहां पे 1% का, टारगेट 2%। इसको नाम दे देते हैं एक थ्रोबैक स्ट्रैटेजी 1, 2, 3 एंड सेव एंड रन बैक टेस्ट। सो हमारा बैक टेस्ट रन करने लगा है। यहां पे हम बहुत ही जल्दी देख पाएंगे कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा था। यहां पे आप क्लिक करके अपने पैरामीटर्स को भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप इन डेप्थ एनालाइज करना चाहते हैं अपने बैक टेस्ट रिजल्ट को, तो सिंपली यहां पे क्लिक करके आप इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। यहां पे आप सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख सकते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है बैक टेस्टिंग। सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ब्रोकरेज, इनफैक्ट आप यहां पे क्लिक करके अपना ब्रोकरेज अप्लाई करके भी रिटर्न्स को चेक कर सकते हैं। ये एक MIS स्ट्रैटेजी है। एंड वंस यू आर हैप्पी विद द स्ट्रैटेजी, मान लीजिए आप संतुष्ट है स्ट्रैटेजी से और ट्रेड करना चाहते हैं, उस केस में आप सिलेक्ट करेंगे उन स्टॉक्स को एंड डिप्लॉय बटन पे क्लिक करेंगे। यहां पे आप इंडिविजुअल क्वांटिटीज डाल सकते हैं, यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं, उनको सिलेक्ट करके आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पेपर ट्रेड करके चेक कर लीजिए लाइव मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है आपका स्ट्रैटेजी कोई भी रियल कैपिटल रिस्क किए बिना। उसके बाद अगर आप संतुष्ट है बैक टेस्ट से भी, आप संतुष्ट है पेपर ट्रेडिंग से भी, तो आप अगर आप लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करके
इस स्ट्रैटेजी को लाइव कर देंगे। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो हम एक बेरिश स्ट्रैटेजी भी देख लेते हैं। अब चल के नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बेरिश सेलिंग के लिए है एंड हेल्थ केयर स्टॉक्स पे ये स्ट्रैटेजी बनी हुई है, तो इसे भी जाके क्विकली बना लेते हैं और ये भी समझने में बहुत ही ज्यादा इजी है। अगेन हमने सेम मूविंग एवरेज का यूज किया है बट इस टाइम सुपर ट्रेंड की जगह आरएसआई का यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम बनाएंगे स्ट्रैटेजी को मैं आपको समझा भी दूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अगेन हम यहां पे जाके क्रिएट स्ट्रैटेजी पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू एंड हेल्थ केयर स्टॉक्स यहां पे मैं ऐड कर देता हूं कुछ। टाइम फ्रेम हमारा है इस बार 15 मिनट्स, स्ट्रैटेजी टाइम फ्रेम 15 मिनट्स, बाय की जगह सेल। अगेन यहां पे क्वांटिटी चूज कर लेते हैं हम सेल। इस बार एक काम करते हैं, हम एडवांस मोड में स्ट्रैटेजी को बनाते हैं बिकॉज एडवांस मोड में जो है बैक टेस्टिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। और एडवांस मोड में बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी अवेलेबल हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इन फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्ट्रीक के यूट्यूब चैनल पे या ज़ीरोधा के यूट्यूब चैनल पे भी आपको हमारे और वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें हम फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो यहां पे हम फर्स्ट कंडीशन बनाएंगे क्लोज लोअर देन, डीएमए 200। मेन ट्रेंड जो है वो बेरिश है, इसका मतलब ये है। एंड सेकेंड कंडीशन हमारा ये है आरएसआई क्रॉसेस बिलो 50। सो अगेन हम यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, आरएसआई क्रॉसेस बिलो 50, मतलब आरएसआई 50 के ऊपर था तभी तो जाके नीचे क्रॉस करेगा और आरएसआई 50 के ऊपर गया है यानी कि बुलिश मूव हमें कहीं देखने के लिए मिला है। इसीलिए हम बुलिश मूव का अलग से कोई कंडीशन नहीं बना रहे हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि मेन ट्रेंड जो है वो बेरिश है, थोड़ा सा प्राइस कभी ऊपर गया था एंड अब नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है, तब हम इसे जाके सेल कर रहे हैं। और एग्जिट करना है स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्रॉफिट का यूज करके। ये एग्जांपल है पुलबैक का, पुलबैक एग्जांपल स्ट्रैटेजी। टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर लिया है, स्टॉक्स ऐड कर दिए हैं एंड अब हम चल के बैक टेस्ट को रन कर सकते हैं। So, आप देखेंगे कि एडवांस मोड में जो बैक टेस्ट है बहुत ही ज्यादा फास्ट रन करता है। आप एडवांस मोड का यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। अगेन इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आप इस पे क्लिक करके इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं अपने बैक टेस्ट के बारे में। काफी सारे रिस्क पैरामीटर्स रिवॉर्ड पैरामीटर्स यहां पे आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप इनके बारे में और इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो आप हमारे और वीडियोस देख सकते हैं या तो फिर हमें लिख के बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है, परेशानी है, हम डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आप एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं अपना रिपोर्ट, यहां पे क्लिक करके आप एक्सेल में भी इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कुछ भी आपको अगर चेंज करके वापस बैकटेस्ट करना है, चेक करना है कि और दूसरे टाइम फ्रेम पे कैसे परफॉर्म करेगी स्ट्रैटेजी, आप डेफिनेटली चेंज कीजिए और वापस बैकटेस्ट आप कर सकते हैं। सो आ चुके हैं हम इस वेबिनार के कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा या रिवाइज करवाना चाहूंगा। रिट्रेसमेंट्स और रिट्रेसमेंट के बारे में अगर आप समझते हैं तो आपको एक डिस्काउंटेड एंट्री मिल सकती है ट्रेंड में, जैसा कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इन डेप्थ इस वेबिनार में। बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना रिट्रेसमेंट्स और रिवर्सल्स के बारे में, क्या डिफरेंस है ताकि आप करेक्ट डिसीजन ले पाए। रिट्रेसमेंट्स जो है वो लेस वॉल्यूम पे होती है और रिवर्सल जो है वो हाई वॉल्यूम पे होती है, जैसा कि हमने इस चार्ट पे यहां पे देखा था। यहां पे आपको मैं वॉल्यूम भी यहां पे आई थिंक पहले बताना भूल गया था, बट आप ये यहां पे रिवर्सल देख रहे हैं, वहां पे वॉल्यूम इंक्रीजिंग था। एंड रिट्रेसमेंट के टाइम यहां पे आप छोटा सा वॉल्यूम एंड वो भी नीचे की तरफ जा रहा था वॉल्यूम। सो ये डिफरेंस होता है। आप सबसे ज्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस यही करता है वॉल्यूम्स एंड पैटर्न्स ऑफ कोर्स।
स्कैनर्स और स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं अलग अलग और इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं, जैसा कि हम इस वेबिनार में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई और आइडियाज हैं अपने स्कैनर्स या स्ट्रैटेजीज के बारे में तो हमें डेफिनेटली लिख के बताइए। सो आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए इस वेबिनार में। आशा करता हूं आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया है। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, डाउट है इस वेबिनार के बारे में या प्लेटफॉर्म के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो आप बेझिझक हमें हमारी ईमेल आईडी support@sri.tech पे लिख के बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप हमें वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं और YouTube पे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि आप अगर पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक रिक्वेस्ट डेमो का बटन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर डाल के एक इन डेप्थ डेमो बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हम इस वेबिनार को यहीं अंत करेंगे। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वेबिनार में।